नमस्कार, कैसे आप? ऑल वेल। तीन चार महीने रेडी भैया? भैया आप थोड़ा डाउन हो जाए तो दिखाई दे जाएगा। तीन चार महीने पहले जब हम गुजरात गए थे तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं सकती। तीन चार महीने का हमने सॉलिड काम किया, सिर्फ मैंने नहीं, एआईसीसी के लोगों ने, गुजरात की टीम ने, और रिजल्ट आपने देखा है। बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है और गुजरात में पड़ा है। मुझे वहां पता लगा कि जो मोदी जी का मॉडल है एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते नहीं है। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है। और जो हमने कैंपेन लड़ा उसका वो जवाब नहीं दे पाए। विकास की बात कर रहे हैं बट रियलिटी है कि वो उसका जवाब नहीं दे पाए। आपने देखा होगा कि चुनाव के होने से पहले कहने को कुछ रहा नहीं था। मोदी जी को अपने बारे में बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे थे। तो हमारे लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हार गए, जीत सकते थे, वहां थोड़ी कमी हो गई, मगर मेरा आज मेन मैसेज ये है, नॉर्मली राजनेता जाता है, जैसे मैं गुजरात गया और सोचता है कि वो गुजरात को अपनी बात बताए, और तीन महीने में गुजरात ने और गुजरात की जनता ने मुझे बहुत सिखाया। और मेन बात यह सिखाई है कि चाहे आपका जो विपक्ष हो, आपसे जिसकी लड़ाई है, वो चाहे उसमें जितना भी क्रोध हो, जितना भी गुस्सा हो, जितना भी पैसा हो, जितना भी धन हो, जितनी भी फोर्स हो, उसको आप प्यार से, भाईचारे से टक्कर दे सकते हैं। और ये शायद गांधी जी ने पहले देश को सिखाया था, मगर ये बात गुजरात के दिल के अंदर है और बहुत गहरी है। और ये जो आपने देखा गुजरात के चुनाव में, ये वो फीलिंग है। ये मेरा काम नहीं है, गुजरात ने मोदी जी को और बीजेपी को मैसेज दिया है, ये जो गुस्सा आप में है, जो क्रोध आप में है, ये आपके काम नहीं आएगा और इसको प्यार हरा देगा। तो ये मुझे मेन मैसेज गुजरात ने दिया, और मैं गुजरात के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो चुनाव जीते हैं उनको मैं बधाई देना। मोदी ने कहा कि जातिवाद की हार है और जीएसटी पर मोहर है, जीएसटी पर मोहर है, विकास मुद्दा सर, जातिवाद पे हार है और जीएसटी पर मोहर है, ये मोदी ने कल बोला। एक मिनट भैया, इस चुनाव में देखिए, मोदी जी ने बोला है कि विकास का चुनाव है, उन्होंने बोला कि जीएसटी पर मोहर है। अजीब सी बात है, चुनाव में उनके भाषणों में ना विकास की बात हो रही थी, ना जीएसटी की मोहर की बात हो रही थी, ना नोटबंदी की बात हो रही थी। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, एंड फ्रेंकली मोदी जी हैज अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम, एंड ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं, वो उनके जो फोर्सेस हैं, उनका जो संगठन है, उसको वो रिपीट कर रहा है, मगर देश उसको सुन नहीं रहा है। ये गुजरात के चुनाव ने दिखाया, और ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह दिखेगा। देखिए, तो सिंपल सी बात है, मैं क्रेडिबिलिटी की बात करता हूं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नॉन स्टॉप करी। आज राफेल के मामले में
और जय शाह के मामले में मोदी जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? देश ये जानना चाहता है कि आपने नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार की बात की। जय शाह अमित शाह के पुत्र ने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में 3 महीने में बदला, राफेल में घपला हुआ है, आप इसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हो? ये है क्रेडिबिलिटी इशू। थैंक यू। 2019 सवाल उठे रहा।